हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं गिग फॉग। इसका प्रॉपर नंबर है, प्रॉब्लम नेम है, सॉरी, रीअरेंज द स्ट्रिंग। इसमें क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और उस स्ट्रिंग को हमें अरेंज कर देना है। कैसे अरेंज कर देना है? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, मतलब कि एक प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को हमें सॉर्ट कर देना। लेकिन आप आराम से आप सॉर्ट तो कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि बीच बीच में कोई इंटीजर भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटीजर को, जितने भी इंटीजर आपको आए, 1, 2, 3, 4, 8 होगा, 0 to 9 होगा, उस इंटीजर को आप सबसे पहले सम करके उसको आपको सबसे लास्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यानी कि अगर आपके पास ये है स्ट्रिंग ए बी सी, A1, A2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए जितने भी ए है उनको एक पास लाओ, फिर जितने बी है उनको एक पास लाओ, ठीक। फिर सी है और जो नंबर बचे हैं उनको सम करके इस पे लिख दो, 3। एक नंबर यहाँ पे 2 है, एक नंबर यहाँ पे 1 है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ा देखिए इसको हम कैसे करते हैं। एक हमने काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी इंटीजर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे, जब भी हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा उस इंटीजर वैल्यू को हम इस काउंट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने क्या है, एक वो बनाया है एरे जिसकी साइज 26 है। क्यों 26 इन द सेंस, मतलब कि जो भी इसमें एबीसीडी कितनी हो सकती, 26 हो सकती है। तो जो भी आएगा हम इसमें जाकर अपडेट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं ए को 0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि जो भी ए आएगा उसको 0 एथेंडिक्स में लेके रखूंगा, ठीक है। बी को मैं 1 एथेंडिक्स पे रखूंगा, ठीक है। तो ऐसे कितने जाएगा, लास्ट में 25 तक जाएगा। और जैसे कि ए 2 बार आएगा तो मैं इस ए ऑफ 0 वाले पे जाके उसकी काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा इसकी ASCII वैल्यू निकाली, इफ ईयर स्टार्ट कर 80 माइनस, क्योंकि इसमें सारे सारे कैपिटल हैं, तो सॉरी ये स्मॉल में मैंने लिख दिया, लेकिन ये जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल ए से माइनस कर दूंगा तो उसकी ASCII वैल्यू आ जाएगी। ये बताइए मैं ASCII वैल्यू ऑफ ए से क्यों माइनस कर रहा हूँ। आप याद रखिए, जो भी मान लीजिए ASCII वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, मान लीजिए कुछ भी है एक्स, और जब भी बी का होगा ना, पता है ये एक्स प्लस 1 होगा, ठीक, एक्स प्लस 1 होगा। तो मैं क्या हो, इसमें हर एक जो भी कैरेक्टर आएगा उसमें से ए की ASCII वैल्यू घटा दूंगा। मान लीजिए जब ये ए आएगा तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। और मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, ए ऑफ 0 ए है मेरा, ठीक। जैसे ये बी आएगा तो बी माइनस ये ASCII वैल्यू ए करूंगा, तो जब बी के लिए 1 आएगा, यानी कि मैं ए ऑफ 1 पे जाके इसकी काउंट को बढ़ा दूंगा, मतलब मैं एक प्रकार से बी की काउंट को बढ़ा रहा हूँ। तो अब आप देखिए जो भी ASCII वैल्यू आई, अब ASCII वैल्यू जो भी आएगी, अगर ABCD होगा तो 0 से 26 के बीच में आएगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और 26 से लेस होगा। तो जब ये आएगा तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए आप जेड वाले पे गया और उसकी काउंट को बढ़ा दिया हमने 1 से। अगर ये ASCII वैल्यू इसके बीच में नहीं रहती, इसका मतलब क्या है, वो जो नंबर है, वो जो भी आया है कैरेक्टर, वो नंबर है, इंटीजर है। तो उसको हमने क्या किया, माइनस उसमें 0। अब मान लीजिए अगर जब 0 होगा तो इसमें हमने 0 वाले ASCII वैल्यू माइनस कर दिया, क्योंकि मान लीजिए उसका कुछ भी ASCII वैल्यू मान लीजिए 48 है, ठीक है, 0 का, एज्यूम कर लें, आई एम नॉट श्योर ये करेक्ट है। तो मान लीजिए 0 है, जब भी 1 होगा ना तो इसका ASCII वैल्यू 49 होगा। तो यहाँ पे भी तो है, हमने ASCII वैल्यू 0 से माइनस करके, तो मुझे पता चला कौन सा डिजिट था, ये हमने काउंट कर लिया इसमें, ठीक। अब क्या है कि मुझे पता चल गया, अब ये मेरा एक्चुअल में एरे किस टाइप से फील हो गया, पता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये 0, 1, 2, 3 ऐसे लेकर 25 तक जाएगा, और मैं बोला ये 0 क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे आएगा कहां तक, जेड तक आएगा। तो इसमें क्या है, ए 3 बार आया तो इस 0th वाले इंडेक्स पे 3 बार होगा, बी वाले पे 1 बार होगा, सी वाले पे कितना होगा, 1 होगा, हमारे एरे कुछ इस टाइप का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है, अब मैं स्टार्टिंग से ट्रेड करते हुए आऊंगा, अपने इस एरे को 0 से 26 तक चलाया, और इसमें क्या होता है, ए जो ए ऑफ 0 क्या होगा, ए ऑफ 0 क्या होगा, मतलब इसमें जितनी बार ए होगा उतनी बार इसकी काउंट होगी। तो हमने लिख दिया कि जब तक इसकी काउंट 0 से बड़ी है, इसके मतलब उतने कैरेक्टर होंगे। तो हमने क्या, एक आंसर नाम का एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें मैं इसको अपेंड करते जाऊंगा इस कैरेक्टर को। तो हमने क्या किया, उस कैरेक्टर को अपेंड कर दिया। अपेंड करते समय भी हमने क्या किया, यहाँ पे आई क्या हुआ, 0 प्लस इसकी ASCII वैल्यू को एड कर दूंगा, इसको कैरेक्टर में बदल दूंगा, तो पता चले कौन सा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को हमने करते गए और इसकी जो वैल्यू है एक एक माइनस करते गए कहेंगे, यानी कि हम जब भी एक एक कैरेक्टर को इसमें से लेंगे, जैसे ए इक्वल टू 3 है, तो जब हमने आंसर में ए को एक बार अपेंड किया तो उसको मुझे अपडेट भी करना चाहिए, मतलब अब तो ए इक्वल टू 2 है, मतलब अभी 2 और ए है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया, रिटर्न डॉट रिटर्न करना है किसको, आंसर को, और प्लस लास्ट में जो इंटीजर मेरा सम है काउंट यहां से जो हमारा है उसको हम स्ट्रिंग में बदलकर उसको अपेंड करके रिटर्न कर देंगे। ये आई होप आपको क्लियर हो गया, ये जो क्लियर कोड है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। थैंक यू।